हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी वो है थॉमसन मॉडल। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं इस मॉडल के बारे में। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये मॉडल है वो रदरफोर्ड ने दिया था, और यहाँ पर उसने कुछ लिमिटेशन जो थॉमसन वाले जे जे थॉमसन के मॉडल में रह गई थी, तो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने आगे फर्दर प्रैक्टिस की थी इस मॉडल को देने के लिए, और उन्होंने यहाँ पर मॉडल दिया रदरफोर्ड मॉडल। अब उनके लिए क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पर, पूरे एक्सपेरिमेंट किस तरीके से सेटअप था वहाँ पर, क्या क्या कमियाँ रह गई थी उसके अंदर भी, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और क्या क्या इसके अंदर हमें नई चीज़ें पता चली इस मॉडल, इस पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स और वी कैन से 4 पॉइंट्स के अंदर हम इस पूरे जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, जो कि हमें यहाँ पर देखना है कि एक्सपेरिमेंट के लिए सेटअप उसने किस तरीके से किया था। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें सेटअप कुछ इस तरीके से था कि वहाँ पर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर पोलोनियम या फिर उन्होंने यहाँ पर रेडियम, इन दोनों में से किसी भी एक को चूज़ करके वहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स हैं वहाँ पर जनरेट है वो करवा सकते हैं यहाँ पर। तो अल्फा पार्टिकल्स सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हमें तो नहीं पता अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है डबली चार्ज्ड, मतलब हीलियम प्लस टू। तो डबली चार्ज जो हीलियम पार्टिकल्स होते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं वहाँ पर, अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। अब इनका क्या यूज़ था, ये किस तरीके से यहाँ पर बेनिफिशियल रहे वो आपको आगे पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि भाई सोर्स क्या था, सोर्स यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पोलोनियम या फिर रेडियम। अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं, दे आर डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स, इतना आपका क्लियर हो जाना चाहिए। फिर यहाँ से सोर्स से जो ये अल्फा पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं उनको एक लेड प्लेट से जिसमें एक होल है उसके थ्रू है वो उनको पास किया गया, ताकि इनकी डायरेक्शन क्या रहे, एक ही डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर पाए। तो यहाँ पर इस तरीके से इस होल में से आगे जनरेट होंगे और इसमें से पास होकर ये स्ट्राइक करेंगे किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। ये जो बीच में दिख रही है वो है गोल्ड फॉइल, और इसके चारों तरफ एक आपको सराउंडिंग के अंदर एक तरीके से प्लेट है वो नजर आ रही होगी, जिसको हम कहेंगे फोटोग्राफिक प्लेट। अब इस प्लेट की खासियत क्या थी, इस प्लेट के ऊपर जिंक सल्फाइड की एक लेयर है वो लगा दी गई, जिसकी वजह से क्या होता था कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर टकराते थे और फिर वहाँ से जैसे ही वो डिफ्लेक्ट होते थे तो फिर वो यहाँ पर अगर आते थे तो यहाँ पर जैसे ही फोटोग्राफिक प्लेट पे जिंक सल्फाइड की लेयर से जैसे स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पर फ्लैश आएगा, वहाँ पर एक चमक है वो दिखाई देगी। तो इसका काम ये था, तो हमें पता चल जाता था कि भाई यहाँ से टकरा कर पार्टिकल है यहाँ पर लौट चुका है, तो इसका काम ये हो गया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये भी चीज़ आ रही हो, क्योंकि एज ए साइंस स्टूडेंट क्यूरियस होना वाजिब है। तो यहाँ पर पहला आपके मन में डाउट आया कि भाई अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में यहाँ पर लेड प्लेट क्यों काम में लिया, ताकि एक होल में से निकल कर एक सीधी डायरेक्शन के अंदर जा सके। उसके बाद में आता है गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, ये भी आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई वहाँ पर वो कोई और भी तो मेटल ले सकता था, वहाँ पर कॉपर ले सकता था, वहाँ पर कोई और आयरन ले सकता था, पर गोल्ड ही यहाँ पर क्यों काम में लिया। तो गोल्ड ही काम में लेने के पीछे रीज़न ये था कि जो गोल्ड जो होता है मेटल वो मोस्ट मेलिबल होता है, बहुत ईजिली वहाँ पर मेलिबल हो सकता है। मेलिबल का मतलब क्या होता है, ये वैसे 10th में पूरा टॉपिक है। अभी जैसे मेलिबल का मतलब है जिसको हम वहाँ पर बीट करके एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिबिलिटी। और गोल्ड है वो मोस्ट मेलिबल है, उसको बहुत हम थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो शीट काम में ली गई थी वो बहुत ही ज़्यादा थिन शीट थी, वहाँ पर जो उसने शीट काम में ली थी उसमें मतलब 1000 एटम्स ही थे। तो यहाँ पर गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ की गई, आई थिंक आपको पता चल गया, क्योंकि वहाँ पर सबसे पतली शीट गोल्ड की हो सकती थी, इसलिए गोल्ड उसने काम में लिया। अब उस शीट में एटम्स कितने थे, तो 1000 एटम्स थे। तो अब आपसे कोई पूछे भाई गोल्ड क्यों काम में लिया, तो आप बता सकते हो बिकॉज इट इज़ मोस्ट मेलिएबल मेटल, दैट्स वाई ही यूज्ड गोल्ड फॉइल। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स, लेड प्लेट, और ये हो गया हमारा गोल्ड फॉइल, और इसके चारों तरफ यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट जिसके ऊपर कोटिंग की गई थी जिंक सल्फाइड की। तो ये तो मेरा पूरा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट हो गया, जिस तरीके से वहाँ पर उसने अरेंज किया था रदरफोर्ड ने। अब उसके बाद में नेक्स्ट उसने ऑब्जर्वेशन क्या ली,
क्योंकि वहां पर जीजी थॉमसन ने उससे पहले बताया था कि भाई वहां पर पॉजिटिव स्फीयर होता है, पूरे एटम के अंदर वहां पर पॉजिटिव स्फीयर, मतलब जो जो प्रोटॉन्स हैं वो मतलब इस तरीके से स्कैटर्ड रहते हैं, ये उसने बताया था, और उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर उसको देखना था, पता करना था कि क्या वाकई में ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। तो वहां पर जो उसको ऑब्जर्वेशन मिले वो बहुत ही अलग मिले, जो कि जेजे थॉमसन के मॉडल को वहां पर कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। अब उसने यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन लिए, उसको क्या देखने को मिला यहाँ पर, तो यहाँ पर उसने देखा, अब यहाँ पर जो मैं डायग्राम बना रही हूँ वही डायग्राम आप लोगों को बनाना है, क्योंकि बुक में जो दे रखा है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है एनसीईआरटी के अंदर। तो इसको हम बहुत इजी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने सिर्फ एक एटम को लिया यहाँ पर, ठीक है, एक एटम के अंदर बीच के अंदर तो हो गया वहाँ पर प्लस, मतलब प्रोटोन्स हो गए जो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, सराउंडेड रहते, पर ये उस समय नहीं पता था। पर यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एटम को लिया, जैसे मैंने कहा कि गोल्ड फॉइल के अंदर उसने जो नंबर ऑफ एटम्स थे वहाँ पर 1000 थे, तो यहाँ पर मैं एक एटम को लेकर पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन लिए गए थे। अब वहां पर क्या है कि जो रेज हैं वो अल्फा पार्टिकल्स जो आ रहे हैं अटैक कर रहे हैं, उनकी बम्बार्डमेंट हो रही है, तो वो किस तरीके से हो रहा है आगे प्रोसीजर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो उसने ऑब्जर्वेशन लिए तो उसमें उसने पाया, सबसे पहला फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था वहां पर, कि मैनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव्ड स्ट्रेट, मतलब काफी सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या निकल गए, सीधे बिना कहीं भी मुड़े सीधे निकल गए। तो यहाँ पर ये उसका हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसमें क्या था कि भाई कुछ पार्टिकल्स हैं वो हल्के से डिफ्लेक्ट हुए, यहाँ से आई रे और हल्के से डिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से मुड़ गई, ये उसका था सेकेंड ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट सीधे निकल गए, सेकंड स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन था जो जिसके ऊपर उसको बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि भाई कैसे पॉसिबल है ये ऐसा, इतना बड़ा जो ऑब्जर्वेशन उसको जो मिला थर्ड, वो ये था कि भाई वहाँ पर 20,000, जो एनसीईआरटी में 20 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में आपको 18,000 भी मिलेगा, तो आप मतलब 20,000 जो एनसीईआरटी को हम बेस मान के चल रहे हैं, तो 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो वहां पर सीधा गया 180 डिग्री के एंगल से और वापस टकराकर उसी डायरेक्शन में आ गया। अब रदरफोर्ड के लिए इस बात को डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इवन उसने तो ये तक कह दिया था कि इस चीज़ को मेरे को जो एक्सेप्ट करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि लाइक अगर पूरा इतना बड़ा फुटबॉल का मैदान है उसमें छोटी सी मक्खी बैठी हुई है, तो फुटबॉल उस मक्खी से टकरा कर वापस आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? उस समय तो इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि उस समय उसको बिलीव ही नहीं हो पा रहा था कि कैसे हो गया ऐसा, कैसे पॉसिबल है। तो ये थे उसकी तीन ऑब्जर्वेशन, पहला सीधे निकल गए, दूसरा स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, तीसरा क्या था वहां पर 180 डिग्री के एंगल से 20,000 में से एक पार्टिकल है वो 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया। तो ये उसके ऑब्जर्वेशन थे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे कि भाई इन चीजों से कंक्लूजन क्या निकला। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो पार्टिकल्स, जो मैक्सिमम पार्टिकल जो स्ट्रेट निकल रहे हैं, उनसे कंक्लूजन ये निकला कि काफी सारा पार्ट एटम का क्या होता है, एम्प्टी होता है, मतलब खाली होता है। इस वजह से जो रेज है वो बिना किसी से टकराए सीधे सीधे चली गई। अगर जैसे अगर आप व्हीकल वगैरह चलाते हो, ड्राइव करते हो, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम खाली रोड पे चला रहे तो हम सीधे सीधे जाते हैं, वही अगर कहीं पर रश हो तो हम कभी इस तरीके से टर्न लेते, कभी इस तरीके से कट मारते हुए जाते। तो यहाँ पर सेकेंड वाले में क्या था कि जो रेज है वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुई। हल्का सा डिफ्लेक्ट होने के पीछे रीजन ये है कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स दे आर डबली पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, प्लस टू चार्ज होता है और ये भी बीच में क्या है, प्लस। तो जैसे ही अगर ये थोड़ा सा भी पास आएगा तो हल्का सा वहां से कट मार के निकल गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जहां रश हो और आपको ड्राइव करना हो, तो अगर यहां से अगर पास से कोई आ रहा है तो हम हल्का सा उसको कट मार के इधर से निकल जाते हैं। तो सेम यहां पर भी इन्होंने क्या किया, कट मार के निकल गए, क्योंकि यहां पर अगर ये ज्यादा पास आएंगे रिपल्शन होगा, तो ये हल्का सा रिपेल हुए और मूव हो गए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर स्लाइटली रिपल्शन की वजह से यहाँ पर वो डिफ्लेक्ट हुए, स्लाइटली रिपल्शन हुआ। अब थर्ड वहां पर क्या हुआ
कि जो 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री के एंगल से वहां पर वापस रिटर्न हो गया, तो ये क्या उससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि वहां पर सेंटर में कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिवली चार्ज है, वो चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हुआ, जिसकी वजह से वो वापस 180 डिग्री के एंगल से रिटर्न हो गया। तो यहाँ पर पता चला, इस पॉइंट के बेसिस पे पता चला कि एटम के सेंटर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहाँ पर इकट्ठा रहता है, मतलब वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड रहता है। अभी तक उससे पहले थॉमसन ने तो क्या बताया था कि पॉजिटिव स्फीयर पूरे एटम के अंदर रहता है। अब यहाँ पर इसमें पता चला कि भी अगर सब जगह होता तो ये सारी जो जो रेज है वो सारी क्या होती, डिफ्लेक्ट होती रहती, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर तो क्या हुआ कि सिर्फ एक रे ऐसी थी जो वहाँ पर कम्प्लीटली 180 डिग्री के एंगल से वहाँ पर रिटर्न हुई। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव, सेंटर में कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर सबसे मैक्सिमम, जहाँ पर जो पोर्शन क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, तभी वहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। तो वहाँ पर जाकर पता चला इसके अंदर कि कोई ना कोई चीज है यहाँ पर सेंटर के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको लेटर ऑन नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। तो यहाँ से शुरुआत हुई न्यूक्लियस की, और जिसमें प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पता चला हमको कि प्रोटॉन्स एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, एटम के सेंटर के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम रेडियस की भी बात कर ले, तो उन्होंने कहा था कि भाई एटम का जो रेडियस है, कोई भी नॉर्मल एटम है उसका जो रेडियस है, उन्होंने क्या माना, 10^-10 मीटर। और जो न्यूक्लियस है उसका जो साइज है वो बहुत छोटा होगा, इससे भी बहुत छोटा होगा, वो होगा 10^-15 मीटर। ये चीज हमको वहां पर पता चल गई। साथ ही साथ सबसे बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं कि हमें पता चला न्यूक्लियस के बारे में, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये इस रदरफोर्ड मॉडल का सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो हम कह सकते हैं। अब रही बात लास्ट जो मेरा पॉइंट है, लिमिटेशन, जो लास्ट पॉइंट होगा लिमिटेशन, क्योंकि बाकी सारे साइंटिस्ट का काम तो यही है कि कोई ना कोई कमी तो निकालनी है हमको, तो वहाँ पर भी क्या है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आई। अब दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि अगर हम ये मानते हैं कि भाई ये बीच में सेंटर के अंदर तो हो गया, प्रोटॉन्स हो गए, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उन्होंने कहा रदरफोर्ड ने कि भाई प्रोटॉन्स की तो जगह पता चल गई, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इनके चारों तरफ है वो चक्कर काटते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यू। तो फिर बाकी साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि भाई चलो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वहां पर एमिट करेंगे। तो जब वो एमिट करेंगे रेडिएशंस, तो कुछ टाइम के बाद में उनका एनर्जी है वो धीरे 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 क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या होना चाहिए कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका जो एनर्जी है वो कम होगा, तो फाइनली उसको कहाँ गिर जाना चाहिए, एटम के अंदर। बट ऐसा तो होता ही नहीं है, एटम तो स्टेबल रहता है। और इसी चीज़ को रदरफोर्ड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसका एक और भी एग्जांपल है, वो जो गर्ल्स इस तरीके से हाथ पकड़ के गोल गोल घूमती रहती है, तो वहाँ पर थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है कि वो चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं, या फिर अगर हम ही गोल गोल अगर घूमें तो थोड़े टाइम के बाद में हम भी चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं। तो उन्होंने इसको चीज़ को कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन के साथ में, कि अगर इलेक्ट्रॉन भी कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें से भी रेडिएशंस बाहर निकल रही है, एनर्जी कम हो रही है, तो फाइनली उसको एटम में गिर जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा, और इसका जवाब किसके पास नहीं था, रदरफोर्ड के पास में नहीं था। इसी वजह से उसके मॉडल को भी लेटर ऑन क्या कर दिया गया, रिजेक्ट है वो कर दिया गया। एक चीज रह गई मेरे से यहाँ पर कि रदरफोर्ड ने मॉडल है वो 1911 में दिया था, ये चीज भी ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा मॉडल हो गया, चार पॉइंट्स में आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड कंक्लूजन, और फोर्थ क्या हो जाएगा, लिमिटेशन। तो इस तरीके से हमको समझना है यहाँ पर कि भाई रदरफोर्ड ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट दिया था, किस तरीके से वहाँ पर उसने जो ऑब्जर्वेशंस लिए थे, कंक्लूजन लिए थे, और सबसे बड़ा अचीवमेंट मेन आपको ध्यान में रखना है कि हमें पता चल गया था न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो प्रेजेंट है, वो रहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।